अब खबरें विस्तार से। राष्ट्र स्तरीय होली मेला सुजानपुर के शुभारंभ कार्यक्रम को लेकर सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि होली उत्सव के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं, क्योंकि मेला अपना विधानसभा क्षेत्र है और निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बार होली उत्सव नहीं मनाएंगे। राणा ने कहा, इस बार दिल्ली में हुई दंगों की वजह से हुए नुकसान से दिल बहुत आहत है, इसलिए होली नहीं मनाएंगे। राष्ट्र स्तरीय होली मेला सुजानपुर के शुभारंभ कार्यक्रम को लेकर सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि होली उत्सव के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है और निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बार होली उत्सव नहीं मनाएंगे। राणा ने कहा कि इस बार दिल्ली में हुए दंगों की वजह से हुए नुकसान से दिल बहुत आहत है, इसलिए होली नहीं मनाएंगे। देखिए, अभी तो मैं विधानसभा से सत्र से वापस पहुंचा ही हूं, अभी जाके पता लगेगा कि निमंत्रण आया है नहीं आया, परंतु मैंने ये फैसला लिया, मुझे कोई निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। मेरा अपना इलाका है, मेरा घर है, मुझे जाना होगा तो मुझे किसी के निमंत्रण का कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपने घर में जाने के लिए कोई किसी के निमंत्रण का आवश्यकता नहीं है, परंतु मैंने फैसला लिया है कि इस बार जो है इतने दंगे हुए, इतने लोग मारे गए, मेरा मन बहुत इसको लेकर जो है वो आहत है, तो मैं इस बार होली का उत्सव जो है मैं मनाने वाला नहीं हूँ। राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि सुजानपुर में बन रहे धोला सेतु पन बिजली प्रोजेक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण मुद्दे प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया रिटायर्ड एचएएस अधिकारी लोगों को डरा रहा है। उन्होंने कहा कि धोला सेतु प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय जनता भूमि देने को तैयार है, लेकिन सेक्टर 4 मानकों के तहत जमीन देना चाहते है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है और लोगों को डरा धमका जबरन रजिस्ट्री बनाई जा रही है। धौला सिद्ध प्रोजेक्ट जो है ये यहाँ पर सुजानपुर के पास बन रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं, प्रोजेक्ट बनना चाहिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों को ठगा जाए। यहाँ के जो किसान हैं उनसे जबरन उनको डरा धमका के जमीन जो है खरीदी जा रही है, कम पैसे दिए जा रहे हैं, रजिस्ट्रियां करवाई जा रही हैं। हालांकि हकीकत यह है कि एक इनका जो धौला सिद्ध को लेकर जो एक संघर्ष समिति जो बनी है, रजिस्टर्ड हुई है, वो संघर्ष समिति ये कह रही है कि ये जो जमीन का जो है ये रजिस्ट्री करवा रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो है जमीन जो है एक्वायर होनी चाहिए, और एक्वायर के हिसाब से जो फैक्टर 4 है कि 4 गुना पैसा देने की बात है, वो वहां पर करें, हम जमीन देने के लिए तैयार है। तो ये झगड़ा जो है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक एचएएस अधिकारी को, रिटायर्ड अधिकारी को लगाया गया है, और वो यहाँ इसलिए भी रहा है और वो लोगों को डरा भी रहा है, धमका भी रहा है, और डराने धमकाकर जो है जमीनें जो खरीदी जा रही हैं, और लोग यहाँ के परेशान हैं, और लोगों ने आज कहा है कि अगर यही रवैया रहा तो हम एजिटेशन करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, और इस मामले को विधानसभा में प्रमुखता से जो है हम लोग जो है उठाएंगे, और हम किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार के बजट को लेकर राजेंद्र राणा ने कहा कि बजट केवल कट एंड पेस्ट कर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन के विकास को लेकर सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन प्रदेश में केंद्र का इंजन काम नहीं कर रहा है, जबकि प्रदेश का इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का दृष्टि पत्र की दृष्टि अब तक लोगों पर नहीं पड़ रही है। कि मैंने तो कहा है कि ये जो बजट है ये पिछले, इससे पहले भी 2 बजट आए हैं, ये तीसरा बजट था इस सरकार का, और ये बजट जो है वो कट एंड पेस्ट की तरह है। बही स्कीमें हैं और कई स्कीमों के नाम बदले गए हैं, थोड़ी बहुत शुरुआत नहीं भी हुई है ना इस बजट में जो महिलाओं की चिंता कोई हुई है, और ना ही ऐसी कोई चिंता की गई है कि ये जो हमारा लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है, प्रदेश कर्जे में डूबता जा रहा है, उसकी कोई चिंता करें, उसके लिए कोई इन्होंने कोई विकल्प निकाला हो। प्रदेश सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा इस बात की चर्चा करती रही कि डबल इंजन है, प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, इसलिए डबल इंजन की जो सरकार है वो काम करेगी, तो ना तो मुझे लग रहा है कि केंद्र वाला इंजन चल रहा है, और हिमाचल वाला इंजन जो वो तो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। इसलिए विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, और बड़ी दुखद बात यह है कि पहले 2 बजट जो हुए, पहला बजट जो आया था 2018 में, और दूसरा बजट आया 19 में, ये जो बजट पेश किए गए थे वो भी जो घोषणाएं थी वो जमीन पर धरातल पर नहीं उतरी। और इन्होंने दूसरी बात और कही थी कि हमारा जो दृष्टि पत्र है, पहले घोषणा पत्र का नाम होता था, अब इन्होंने दृष्टि पत्र दे दिया। तो मैं तो विधानसभा में बार बार कह रहा हूं कि आपका जो दृष्टि पत्र है उस पर उसकी दृष्टि लोगों पर नहीं पड़ रही है। कर्मचारियों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया इस बजट में, कर्मचारियों के साथ जो है
इसकी जो इनका घोषणा पत्र के रूप में दृष्टि पत्र था उसमें जो घोषणाएं करी गई थी, जो वायदे किए गए थे चुनावों में, वो कहीं नहीं नजर आ रहे हैं।